नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। दिल्ली वालों के लिए फिर जैसा कि हमारी एक पहले भी खबर आई थी और हमने बताया था कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जल्द छुट्टियों का तोहफा देने वाली है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार। जी हां, अब हमारे उसी खबर पे मोहर लग रही है कि वो खबर कितनी हमारी सच थी और हमारे सूत्र किस तरीके से काम करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण यह खबर है। आपको 8 तारीख यानी 7 तारीख की रात 12 बजे से लेके 10 तारीख की रात 12 बजे तक यानी 11 तारीख मान के चलिए, 8, 9, 10 ये 3 दिन की छुट्टी अब दिल्ली सरकार ने घोषित कर दी है। जी हां, अब आपको 3 दिन छुट्टी मिलेगी और इसमें सबको मिलेगी छुट्टी, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो। किसी के भी ऑफिस की टेंशन नहीं होगी, किसी को काम की टेंशन नहीं होगी, किसी के स्कूल की टेंशन नहीं होगी। पूरी दिल्ली ही 3 दिन के लिए कंप्लीट बंद रहेगी। इसमें भी खासकर साउथ दिल्ली का वो एरिया जहां पे G20 मेन होना है या वहां पे इससे जुड़ी हुई चीजें जो सामने आ रही हैं, जहां पे जो हमारे गेस्ट आएंगे बाहर से वो रहेंगे, उनके लिए वहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी और कई ऐसी चीजें वहां होंगी जो G20 से जुड़ी हुई होंगी। उन सभी को देखते हुए उस एरिया को एक तरीके से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 1 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक वहां पे जो टैक्सी हैं या ये कहें जो कैब ड्राइवर हैं, उन सभी को, उन कंपनियों को भी एक तरीके से नोटिस दे दिया गया है कि 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम साउथ दिल्ली के अंदर आप नहीं कर पाएंगे और इसके साथ साथ हर तरीके की एक्टिविटी वहां पे बंद रहेगी। यहां तक कि सिर्फ वहां आने जाने के लिए आपको जाने के लिए दिक्कत होगी। आप दिल्ली से बाहर जा सकते हैं मगर दिल्ली के अंदर आ नहीं सकते, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसके साथ साथ जो जो चीजें को छूट दी गई है वो हम आपको बताते हैं। साउथ दिल्ली में, हम ये सिर्फ साउथ दिल्ली की बात कर रहे हैं, अभी पूरी दिल्ली की बात करेंगे। जहां पे जैसे गुड़गांव से लगा हुआ जो एयरपोर्ट एरिया है वो, द्वारका, तिलक नगर, जनकपुरी और साउथ का एरिया जैसे कैंट, सागरपुर, नजफगढ़, नागलोई, आईटीओ, ऐसी कई चीजें हैं जो इस एरिया में आती हैं, उन सभी में यह चीजें लागू होंगी। इसमें सिर्फ जो इमरजेंसी वाहन है उन्हीं को परमिशन होगी। मेडिकल की सुविधा अगर उस बीच में आप लेते हैं या आपकी कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आपको उसको छूट होगी। दूध, पानी और जो सब्जी, फ्रूट्स, ब्रेड, इनकी जो सप्लाई करते हैं उन्हीं गाड़ियों को सिर्फ आने जाने की परमिशन होगी, वो भी कंडीशन के साथ। अदरवाइज कोई भी गाड़ी, चाहे वो बस हो, चाहे वो आपकी अपनी गाड़ियां हो, चलने के लिए साफ और सख्त मनाई है। होटल, बैंक तक बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस तक बंद रहेंगे। एमसीडी के जो कार्यालय हैं, जो ऑफिस हैं, वो तक बंद रहेंगे। यानी पूरी दिल्ली में एक तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन है। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की। यहां पे कुछ राहत तो होगी मगर दिल्ली में जो लागू होगा 3 दिन की छुट्टी का नियम, वो पूरी दिल्ली में लागू है तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर भी छुट्टी रहेगी। यहां पे बैंक तो खुले रहेंगे, यहां पे और चीजें तो आवाजाही आप कर सकते हैं मगर सख्ती उसी तरीके के दिल्ली के अंदर रहेगी, क्योंकि सेफ्टी को लेके और सुरक्षा को लेके कोई कोताही नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली गवर्नमेंट से ये खत लिख के रिक्वेस्ट की थी कि दिल्ली में छुट्टी अनाउंस की जाए। उसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस पे मोहर लगाई है और उन्होंने 8 तारीख, 9 तारीख और 10 सितंबर इन 3 दिन कंप्लीट छुट्टी का अनाउंस कर दिया है। इसके साथ साथ आप जो कुछ मेट्रो स्टेशन, हालांकि मेट्रो चलेंगी और यह दिल्ली सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दिल्ली पुलिस ने भी अपील की है कि कोशिश करें मेट्रो से ही आवाजाही अपनी करें, कहीं भी आना जाना हो तो मेट्रो का ही उपयोग करें, मगर कुछ जगह मेट्रो भी बंद रहेंगी। जैसे कनॉट प्लेस में आपका सुप्रीम कोर्ट हो, आईटीओ हो और ऐसी कई जगह हैं जो इस दायरे में आती है और यहां पे मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे कंप्लीट इन दिनों।
बाकी पूरी दिल्ली में आप मेट्रो से आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से आप दिल्ली के बाहर जा सकते हैं, मगर दिल्ली के अंदर अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। मगर खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि चलो 3 दिन ही सही, मगर आपको छुट्टी तो मिली, तो आप अपनी आउटिंग का प्लान करिए, अपनी फैमिली के साथ घूमने जाइए, क्योंकि ना बॉस की टेंशन होगी, ना टीचर की कोई टेंशन होगी, ना छुट्टी के लिए आपको बहाना बनाना पड़ेगा और ना ही कोई आपको रोकने वाला है। तो अच्छी चीज है आपके लिए, अच्छी खबर है, शेयर करिए, एंजॉय करिए और साथ ही साथ छुट्टी का आनंद लीजिए और सेफ्टी का भी ध्यान रखिए कि कहीं आप इस G20 के कहीं रूल रेगुलेशन के दायरे में ना आ जाएं और आपको मुसीबत का सामना करना पड़े। NBHAR TV दिल्ली।